आवाम समझ रहे हैं कोरोना सिर्फ ईद तक था, इस शुभ इस पर अमल नहीं किया जा रहा। यही हालात रहे, फैसले पर नजरसानी करेंगे। हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने पर गौर कर सकती है। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने शहरियों को मुतनबे कर दिया। मुशीर इत्तला'आत खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर भी आवाम की जानिब से एसओपीज पर अमल न करने पर नाला। लॉकडाउन सख्त करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं आवाम ने एसओपीज पर अमल नहीं किया तो कोरोना केसेस की तादाद बढ़ जाएगी। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 56,349 हो गई। 1,167 अफराद जावाहक। 24 घंटे में मजीद 1,748 केसेस रिपोर्ट हुए। पीआईए थियारा हादसा तहकीकात में अहम पेशरफ। पायलट ने दिए गए रूट और इदादो शुमार से हटकर जहाज चलाया और जहाज को 180 डिग्री पर ले गया। तहकीकाती टीम को एटीसी कंट्रोलर और पायलट की रेडियो कम्युनिकेशन से अहम शवाहिद मिल गए। थियारा साज कंपनी एयरबस की टीम आज कराची पहुंचेगी। टीम हादसे की जगह पर तहकीकात करेगी। तबाहशुदा जहाज के इंजनों के मुमकिन मुंतकली का अमल रोक दिया गया। सजाद गुल समेत सबकी शहादत का तकाजा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने से पहले कोई बात न की जाए। शहीद कैप्टन सजाद गुल के वालिद की गुफ्तगू। पेशावर में एलआरएच अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में आग लग गई। दो कमरे जल गए, सामान खाकस्तर। जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। और ईद पर अफगान हुकूमत का तालिबान को बड़ा तोहफा। 100 कैदी रिहा कर दिए। तालिबान ने भी ईद पर 3 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान कर रखा है।